नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे चार बड़े कारण जिसकी वजह से एक औरत का घर टूटता है। सबसे पहले, जो औरत शादी के बाद ससुराल को स्कूल कॉलेज समझकर बचकानी हरकतें करती है, नादानियां करती रहती है, उसे लगता है यार ठीक है ऐसे ही है, तो ऐसा नहीं है। शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस तरह से नहीं चलता कि आप बच्चों वाली हरकतें करते रहेंगे और शादी चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके घर टूटने का। नंबर टू, जिस औरत की जुबान कैंची की तरह चलती है, उसे पता ही नहीं कहाँ पे क्या बोलना है नहीं बोलना, बस उसको यही है कि बस मुझे बोलना है, जो मेरे मन में आ रहा है मुझे बोलना है। हर वक्त आपको बोलना नहीं होता, कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ आपको चुप रहना पड़ता है। नंबर थ्री, जिस औरत के अंदर एक अलग सा एटीट्यूड ईगो सा होता है, बस मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ, किसी को अपने हस्बैंड को अपनी फ्यूचर फैमिली को किसी को कुछ भी नहीं समझती, बस खुद को ही इंपॉर्टेंस देती है, तो ऐसी औरत का घर नहीं बच सकता। नंबर फोर, जो औरत शादी के बाद भी अपने मायके वालों से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहती है, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है, अपनी हर चीज़ में उन्हीं की राय लेती है, अपने हस्बैंड या फिर अपने ससुराल वालों को पूछना मतलब ज़रूरी नहीं समझती, तो इस तरह से भी घर टूट जाता है। तो वीडियो लगता है हेल्पफुल, तो लाइक माय वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।